नमस्ते बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मसल्स। मसल्स देखिए, एक होती है वॉलेंटरी मसल्स और एक होती है इनवॉलेंटरी मसल्स। अब वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? ऐसी मसल, देखिए हमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स है, वो भी वॉलेंटरी ऑर्गन्स है और इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स है। तो उनके पास जो मसल्स होती है, देखिए वॉलेंटरी का मीनिंग सिंपल मीनिंग क्या होता है, हमारी मन से जो हम उसको, हमारे मन से जब भी हम उस मसल्स को हिलाना चाहे या फिर कुछ भी करना चाहे तो वो मसल्स हम हिला सकते हैं। और इनवॉलंटरी का मीनिंग क्या होता है, हम हमारी मर्जी से उसको जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए हाथ है, हाथ की मसल है, हम हमारे मन से इसको कभी भी मूवमेंट कर सकते हैं। वही अगर हार्ट की मसल की अगर हम बात करें तो हार्ट की मसल आप अपने मन से कभी भी इसको बंद चालू नहीं कर सकते या फिर हिला नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। या फिर अगर लीवर है, लीवर की मसल्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी सिस्टम्स है तो वहाँ पे जो मसल्स काम में आती है तो वो अपने आप काम कर रही है, डाइजेशन में जो मसल्स यूज हो रही है वो अपने आप। तो जो अपने आप हो रही है हम उसकी मूवमेंट नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है इनवॉलेंटरी। और जहाँ पे हम अपनी मन से मसल्स को मूवमेंट दे सकते हैं तो उनको बोला जाता है वॉलेंटरी मसल्स। समझ में आया कंसेप्ट? एक बार पढ़ता हूँ, सिंपल कंसेप्ट है। वॉलेंटरी मसल्स कौन से? वॉकिंग विथ अवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग, ETC आर फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन विल। विल यानी अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से जो काम कर सकते हैं, मसल यूज इन दिस एक्शन, और उस एक्शन के लिए जो मसल्स यूज की जाती है उसको बोला जाता है वॉलेंटरी मसल्स। यानी वॉकिंग करने के लिए हम हमारे मन से, देखिए आपको जब चाहे तब वॉक कर सकते हैं, जब चाहे अपना हाथ हिला सकते हैं, जब चाहे खाना खाने के लिए, तो वो जो एक्शंस हो रही है उसके लिए जो मसल्स यूज हो रही है उसको बोला जाता है वॉलेंटरी मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, मसल इन आवर आर्म्स, लेग्स आर वॉलेंटरी मसल्स। अब इनवॉलेंटरी देखिए, वेरियस प्रोसेसेस लाइक ब्रीदिंग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, दैट इज दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन विल। विल का मतलब अपनी इच्छा, वो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होता। ब्लड सर्कुलेशन आप अगर बोलोगे कि रुक जा तो रुकेगा क्या? डाइजेशन, खाना हमारे हाथ में है, पर वो जो डाइजेशन हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं अपने आप हो रही है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, आप बोलोगे कि सांस जो है वो हम रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, फिर कितनी देर तक? बाकी तो वो अपने आप ही हो जाती है। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट आर कैरीड आउट इन देयर ओन फिक्स मैनर बाय इनवॉलंटरी मसल्स। तो जो स्टमक काम कर रहा है, इंटेस्टाइन काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, तो वहाँ पे जो मसल्स लग रही है उन मसल्स को फिक्स मैनर में वो अपना काम कर रही है, तो वहाँ पे जो मसल्स यूज हो रही है उसको क्या बोला जाता है? इनवॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी यानी अपनी मर्जी से जिसको हम मूवमेंट कर सकते हैं, और इनवॉलेंटरी यानी अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं हो सकती, उसको इनवॉलेंटरी मसल्स बोला जाता है। विच ऑर्गन इन अवर बॉडी हैव वॉलेंटरी मसल्स एंड विच वंस हैव इनवॉलेंटरी मसल, फाइंड आउट एंड मेक लिस्ट। देखिए जो भी ऑर्गन्स है तो कौन कौन से, जो इंटरनल ऑर्गन है ना वहाँ पे इनवॉलेंटरी मसल्स होती है, और जो एक्सटर्नल ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मैं आग की जो पापनी है वो इसको हिला रहा हूँ तो ये मेरे हाथ में है, तो ये वॉलेंटरी मसल्स हो गई, ठीक है। पर आँखों के अंदर जो मसल्स है जो बाकी का काम करती है वो इनवॉलेंटरी हो रही है। तो आपको ऐसा लिस्ट बनाना है, बहुत सिंपल है, और उसको जो है वो और डिटेल में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम टाइप्स ऑफ मसल जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बच्चे समझ में आया, अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।